आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल की फॉर्मेट। हम बात करेंगे आज नंबर फॉर्मेट की। तो कल की क्लास में हमने विक्रम जी के साथ अभिषेक विक्रांत जी के साथ डिस्कस किया था फॉर्म अलाइनमेंट, राइट सर? यस सर। हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेट की, मतलब कि कुछ नंबर आप लिखते हैं तो उसको अपने हिसाब से एक फॉर्मेट में करना होता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए इसको जिससे मुझे कॉमा लगाना है लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट जानना चाहें तो यहाँ पर आप लिखा होगा नंबर फॉर्मेट, या जो राइट क्लिक करके जो फॉर्मेट सेव करते हैं तो आप दिखता है। सबसे पहला टैब आप नंबर फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कई सारे कैटेगरी है, तो हम चलिए वन बाय वन कैटेगरी पे डिस्कस करते हैं। ओके यस, तो सबसे पहला कैटेगरी आप नाम लिखते हैं जर्नल। जनरल मतलब जैसा टाइप हुआ वैसा, समझे? डिफॉल्ट नंबर मतलब कि इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, थाउजेंड सेपरेटेड क्या होना चाहिए, और साथ में अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होना चाहिए। तो यहां से जैसे कि आप ये है सिलेक्ट है, ये मतलब कि डिफॉल्ट है, राइट सर? अगर मैं नीचे सेलेक्ट कर दूं तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में, बट सिंबल में नहीं दिखेगा। अब यहाँ लिखा था, तो इसमें यहाँ लिख दिया माइनस फाइव हंड्रेड, माइनस फाइव हंड्रेड। ये आपको माइनस फाइव हंड्रेड दिख रहा है सर? नंबर में आया और मैं ये इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये फिर आपको माइनस नहीं दिखेगा, ये रेड हो जाएगा, फाइव हंड्रेड हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में आप देखिए माइनस फाइव हंड्रेड नहीं है। तो कोई भी फॉर्म, चाहे फॉर्म हो, अलाइनमेंट हो, नंबर हो, या कंडीशनल प्रॉपर्टी हो, सिर्फ विजुअल चेंज करता है, ओरिजिनल चेंज नहीं करता। ओरिजिनल जो आपने टाइप किया है या जो फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको दिया है वही ओरिजिनल होगा, समझे? तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा, ये करते हैं तो ब्रैकेट और दोनों हो जाएगा, बट इंडिया में आप 10 इसको सिलेक्ट करते हैं। अब अगली तरह बात करते हैं करेंसी। ओके सर, करेंसी में सब कुछ सेम होता है, बस इसमें आप करेंसी का सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास विंडो कौन सा है? 10। विंडो 10 है या फिर विंडो 8 है आपका, तो आप जैसे रुपीज का सिंबल जो लगता है ना आरएस का, रुपीज ड्रॉ का जो आता है वो ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो फॉर्म होता है दिस इज अ पार्ट ऑफ विंडो, तो विंडो 8 और विंडो 10 तब रिलीज हुआ जब हमारा इस एलपी सिंबल डिलीट हो चुका था, वरना इससे पहले हम आरएस यूज करते थे। अच्छा, 2003 10 से पहले हम आरएस यूज करते थे ना? हाँ जी। 2011 या 12 में रिलीज से बनाए हैं, जैसे 2011 और 12 से पहले का अगर आप ये देखें नोट्स देखें 100 के नोट या 50 के नोट तो उस पे आपको आर दिखा हुआ नहीं दिखेगा। ये सर ये क्या है कि आर बंगाली, आर इंग्लिश, आर गुजराती, आर बिहारी, अलग अलग फॉन्ट के नेम है वो, इसमें क्या है अलग अलग रीजनल लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है ना सर वो फॉन्ट के नेम है सर। आप कौन से यूज करते हैं? कश्मीरी? नहीं, कश्मीरी आपने कश्मीरी किया? हिंदी है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि गुजराती फॉन्ट आपने डाउनलोड कर लिया होगा, गुजराती में मिल जाए तो उससे सर रुपीज का सिंबल गुजराती जाएगा, लेकिन सब में तो दिखेगा सेम ही, बट अलग अलग फर्क होता है किसका, साइज का। जैसे ये देखिए आपका रुपीज का हो गया, क्या है ना सर, इंडियन है, हिंदी वाला है। अब इस पर मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ गुजराती जो बात हो जाता है ना, ये हम ये देखिए कन्नड़ बोल देते हैं, कन्नड़ में क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं है, कश्मीरी,
हल्का सा फर्क होगा। Yes, तो बस यही है, तो आपको आपका जो है उस हिसाब से यूज कीजिए। ओके लेकिन ये चीजें यूज करेंगे कब, जब आप इंटरनली मतलब कि इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर आप मल्टी कंट्री के लिए काम करते हैं, अगर दो कंट्री के लिए काम करें, इंडिया यूके के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया यूएसए के लिए काम कर रहे हो, तो ठीक है डॉलर रुपी चलेगा। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं जो कि बहुत सारे कंट्रीज में है, तो वहां पे हम लोग करेंसी का सिंबल यूज नहीं करते। क्यों? जैसे कि मान लीजिए हम डॉलर का साइन ले लीजिए, तो डॉलर अब साइन से पता चलता है कि डॉलर ऑस्ट्रेलियन है या यूएस है या ऑस्ट्रियन है या सिंगापुर का है? नहीं पता चलेगा ना सर। इसलिए वहां पे बात होती है करेंसी कोड की। एक्सचेंज में अगर जाइएगा तो वहां पे करेंसी कोड आपको दिखेगा, या फिर बैंक स्टेटमेंट है, बैंक में जो बैलेंस वगैरह है वहां पे आपको INR शो करेगा। ठीक है सर, एक करेंसी कोड है। उसके बाद हम अकाउंटिंग में आते हैं। तो अकाउंटिंग में जस्ट यहां पे करेंसी चेंज करते हैं, बाकी कोई खास इसमें नहीं है। लेकिन इसका यूज हम अपने ऑफिस में, एक ऑफिस में बहुत पहले करते थे, इसका एक अलग यूज करते थे। अब अलग यूज क्या करते थे चलिए हम आपको बताते हैं। सेम तो ऐसा ही है करेंसी और अकाउंटिंग वाले में जो, हाँ लेकिन छोटा सा एक हम यूज करते थे अकाउंटिंग में। जाता क्या होता था कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते थे, रिपोर्ट्स होते थे, मान लीजिए ना कोई रिपोर्ट ऐसा आता आता था। अब इस रिपोर्ट के बीच में कहीं कहीं पे जीरो होता था। अब हम लोग इसकी प्रिंट आउट निकाल के ले जाते थे तो उनको जीरो फाइंड आउट करने में दिक्कत होती थी। देखा जीरो फाइंड आउट दिक्कत है ना, खोजना पड़ रहा है। अब इसमें कलर वलर करने के लिए मना करते थे, वो कलर वलर नहीं करना है, हाईलाइट नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते थे, अकाउंटिंग में जाते थे और यहाँ पे इसको नन करते थे। नन कर दिया तो जीरो का विजुअल डैश में कन्वर्ट हो जाता था। अब रुना तो नहीं पड़ रहा है ना, हाँ वो साफ दिख रहा है। तो अकाउंटिंग का यूज हम लोग वहां पे करते थे। बात करते हैं डेट का। अब जैसे कि आपने कोई डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट अगर आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो उस डेट को आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि कौन सा डेट आपके लिए सुटेबल है, मतलब जो कौन सा यूज करते हैं आप। और यहाँ पे अलग अलग कंट्री भी है, क्योंकि हर कंट्री का डेट फॉर्मेट अलग होता है ना सर। यूके का यूज़ करना है या नीचे से दूसरा? यूके का ये आपका कंट्री फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट से। और यूके में ज्यादातर ई स्टेट को यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो बुक्स हैं, जो बहुत पुराने पुराने बुक्स, पुराने ऑथर के बुक्स हैं, उस पर डेट देखेंगे तो इसी तरह का डेट लिखा होगा। ठीक है सर, हम टाइम की बात करें तो टाइम भी सेम यूके और यूएसए के लिए अलग अलग होता है, फॉर्मेट अलग अलग होता है। टाइम भी सबका एक ही होता है, अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो आपको जो फॉर्मेट चाहिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर किसी का ओवर टाइम, मान लीजिए कुछ ऐसा आपने कुछ कैलकुलेट किया, जैसे मान लीजिए किसी का मैंने ओवर टाइम कैलकुलेट किया 45 घंटे 30 मिनट 48 घंटे 30 मिनट और 8 सेकेंड। ओके सर, गलती से किसी ने जनरल फॉर्मेट टाइप कर दिया, आप इस पे टाइप करिया तो, और इस पे आप डेट का टाइम का फॉर्मेट डालते हैं तो कोई और फॉर्मेट डालेंगे तो आप देखेंगे कि 24 आवर से ऊपर का टाइम नहीं देगा। देख रहे हैं आप 21:30 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि 24 आवर के बाद वो एक दिन समझ लेता है, एक दिन के बाद जो टाइम है वो टाइम शो करता है। या तो 1.8 है, 1 मतलब कि 1 डे, और बाकी जो डेसिमल है वो टाइम है। तो यहां पे सबसे लास्ट वाला जो यहां दिख रहा होगा 37:30:55, जी हाँ 37:30:55, उसका यूज आप करिए। इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको यहां पे एग्जैक्ट दिखेगा 45:30:08। दिखिए सर, तो इसका ध्यान आप हमेशा रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शंस का। परसेंटेज तो नॉर्मल जो बाहर यहाँ यूज करते हैं वही परसेंटेज है। फ्रैक्शन, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, ढाई,
तो इसको फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने 1.5 लेबल सेलेक्ट कर लिया तो दिखेगा 1 2 1/2, समझे? और भी लेबल है यहाँ पे, देखिए 2/2/4, बात हुई है ना सर? तो इस तरह की चीजें यूज आप कर सकते हैं फ्रैक्शन में, कभी कभी इसका यूज होता है, हमेशा तो नहीं। बाकी आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाता है तो ऑटोमेटिक चला जाता है, टेक्स्ट टेक्स्ट में जान लीजिए क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेक नंबर लिखना है, ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ चेक नंबर लिखना है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने 00123 लिखा, एंटर मारा, तो 0 आपका गायब हो गया। क्यों? नंबर में ले लेता है वो। हाँ, क्योंकि नंबर नहीं, नहीं। देखिए होता है क्या है कि किसी भी नंबर के आगे आप 0 नहीं लगा सकते, ठीक है? पीछे लगा सकते हैं बट आगे नहीं। मुझे यहाँ पे, हाँ मुझे यहाँ पे 0 चाहिए तो क्या करूँ? सिंगल कोट लगा सकते हैं। जी हाँ, सिंगल कोट लगाने से क्या हो जाएगा, एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट में सिंगल कोट और डबल कोट में कोई डिफरेंस होगा? हाँ, डबल कोट आपने लगा दिया तो विजिबल होगा, सिंगल कोट आपका विजिबल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फिर पूरे कॉलम में मुझे अगर टेक्स्ट ही लिखना है तो बार बार सिंगल कोट लगाना तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो मैं यहाँ क्या किया कि यहाँ इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जा रहा हूँ और यहाँ हम इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? टेक्स्ट। पूरा कॉलम में टेक्स्ट हो गया, अब मुझे सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं कोई फॉर्मूला भी यहां मैं लिखूंगा तो फॉर्मूला आपका लगेगा तो सही, लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा। सर फर्स्ट आपने 0 0 नहीं लगाया, अगर आगे 0 तो लगाएं, ठीक है? अब 0 0 से बात आया कि चलो आपने टाइप कर दिया लेकिन किसी ने आपको 0 लगा के नहीं भेजा, अब इसको आपको बैंक को भेजना है, अब बैंक को पूरा फॉर्मेट भी चाहिए। हम लोगों के पास ना 1 या 2 चेक होता है, हम लोग जाते हैं फॉर्म भर देते हैं वहाँ बैंक से लेके और भेज देते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कलेक्शन एजेंसीज हैं, उनके पास तो 1 दिन में 1000 चेक होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एनेक्सर बना के भेज देते हैं। तो वहां पे दिक्कत होता है। तो इन शॉर्ट मैं करना चाहता हूं कि यहां हमारा 0 लगना चाहिए, 6 डिजिट मेंटेन होना चाहिए। तो यहां पे हम कस्टम यूज करेंगे, कस्टम पे गए, कस्टम कोड, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 0 क्यों डाला? क्योंकि चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। अगर मैं 4 भी डालूंगा तो बाकी 0 से कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, 6 डिजिट हमने डाल दिया ना सर, तो क्या होगा, वो जितना डिजिट कम होगा ना उतना आगे लग जाएगा। हाँ वही मेरा मतलब है, अगर मैं खाली 1 2 3 लिखता हूँ तो 3 हाँ, 0 अपने आप लग जाएंगे। जी हाँ, आपने 4 0 लगा दिया तो 4 पे मेंटेन करेगा, लेकिन अगर ज्यादा टाइप है तो उसको शो करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने अगर 7 डिजिट टाइप कर दिया तो डिजिट नहीं दिखेगा, 7 डिजिट दिखेगा मेरा। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं अगर मोबाइल नंबर की मैं बात करूं तो मोबाइल नंबर पे मेरा +91 जो है +91 लगा के मैं नंबर लिखना चाहता हूं, बट क्या है कि सिस्टम में अगर आप प्लस लगा देते हो तो प्लस को समझ लेता है फॉर्मूला, क्योंकि प्लस और इक्वल दोनों से आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो अब
फॉर्मूला समझ लेने से दिक्कत क्या होता है? फॉर्मूला समझ लेने से दिक्कत क्या होता है कि देखिए आपको इस तरह का दिखाएगा अलर्ट और ओके करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि मेरा नंबर लिखना है, यहाँ पे नंबर लिख चुका हूँ, बोलो मान लीजिए नंबर लिखना है या नंबर लिख चुका हूँ, तो हम क्या करेंगे कि एरिए को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है कस्टम, और मैं यहीं पे प्लस 91 लगा दिया और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हमने जीरो डाला। अब मैं यहाँ पे अपना नंबर लिखूंगा, ये देखिए प्लस 91 नाम का दिख रहा है सर, उसी तरह से मान लीजिए कि मैं अपना अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ और अकाउंट नंबर में हमारा 9 10 11 डिजिट तो दिख रहा है, जैसे मैं 12वां डिजिट डालूंगा ये साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाएगा, तो ये नॉर्मल डिजिट दिखे इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस एक कस्टम में जाके एक हैश या जीरो यहाँ डाल दीजिए, ये आपका नंबर दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये 15 डिजिट तक ही शो करेगा, जैसे आपने 16वां डिजिट डाला वो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि आपका जो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर या ऑफिस में जो होता है कंप्यूटर, वो 15 डिजिट की कैलकुलेशन पे डिपेंड नहीं होता है, वो 15 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जैसे आप 15 डिजिट ज़्यादा यहाँ डालते हैं वो उसको जीरो शो कर देता है, तो गड़बड़ हो जाएगी अगर क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया। आपके पास ऐसा लगा कि मुझे डेटा नंबर डालना है तो आप अपने नॉन कैलकुलेटिव डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में 32,767 डिजिट तक नॉन कैलकुलेटिव डेटा, और इसको कॉपी करके कहीं पे इजीली पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप पेस्ट एज ए वैल्यू करने से पहले, जैसे आप पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे तो नॉर्मली यहाँ रीड कर रहा है, लेकिन अगर नंबर में कन्वर्ट हो गया ना सर तो फिर वो 0-0 कर देगा, कर दिया ना 0-0। तो आप ये कह रहे हैं कि टैक्स करने के बाद हम इस पर कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना? जी हाँ, क्योंकि एक्सेल 15 डिजिट से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता ना सर। सर उसका वर्क अराउंड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कुछ मेरे पास ऐसी चीज जो 16 डिजिट तक है उसके मुझे सम भी करना है? उसके लिए आपको कंप्यूटर की मेमोरी पावर आपका प्रोसेसर बदलना पड़ेगा ना, प्रोसेसर ही आपका है ना, इसमें एक्सेल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तभी तो सुपर कंप्यूटर वगैरह बने हुए हैं क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, उसको प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। दूसरी चीज बात आती है, इससे आगे कंडीशनल कन्वर्टिंग में बहुत कुछ है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम निकाल के एक माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल पढ़ लेंगे, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग वीवीए वगैरह में भी यूज होते हैं, बहुत सारे इसकी कोड्स वगैरह भी हैं, तो आप अगर इसकी एक बार आर्टिकल को पढ़ लें, अभी तक की जो फॉर्मेटिंग है उसकी वीडियो देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो बेटर रहे। क्या बोलना सर? ठीक है सर, तो हम आपको कस्टम फॉर्मेटिंग का भेज रहे हैं लिंक, ये रहा आपका लिंक, व्हाट्सएप कर दूं? हाँ जी कर दीजिए। अच्छा, आज की रिकॉर्डिंग का भी व्हाट्सएप कर देना, मैं अभी आज देखिए ये है आपका, ठीक है ना, इसको एक बार पढ़ लीजिए, व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, मेल कर दो बस बेटर रहेगा सर, मेल कर दीजिए तो भी चलेगा। क्या है आईडी आपका? विक्रांत, विक्रांत राय गुप्ता @yahoo.com, विक्रांत RANT राय RAI, ये आ गया सर पहले बार। हाँ जी, आप मैंने भेज दिया, ठीक है, और आज ही रिकॉर्डिंग का भेजना जी, जरूर जरूर, थैंक यू।